नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। रंगों में डूब जाने का त्योहार, मेल जोल, खाने पीने, मस्ती और हुड़दंग का त्योहार होली बस आने ही वाला है। हर तरफ होली की धूम है, हर कोई रंगों में भीग जाना चाहता है, लेकिन आम लोग होली पर जितनी मस्ती, उछल कूद और हुड़दंग कर सकते हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं को उतनी ही सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर होली के त्योहार की मस्ती में प्रेग्नेंट महिला जरा सी लापरवाही करे तो उसकी स्किन तो डैमेज होगी ही, साथ ही उनके पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। होली के त्योहार में रंगों के साथ ही पानी का भी काफी यूज होता है, जिससे आपके बीमार पड़ने का भी खतरा रहता है। गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी दूसरे लोगों की तुलना में कमजोर होती है, ऐसे में बीमारियों और इन्फेक्शन का खतरा उन्हें भी अधिक होता है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन भी बेहद सेंसिटिव रहती है। इस कारण जिन रंगों से सामान्य लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है, उन रंगों के प्रति भी प्रेग्नेंट महिलाएं संवेदनशील हो सकती हैं। मार्केट में आमतौर पर मिलने वाले रंगों में सिंथेटिक, इंडस्ट्रियल डाई और ऑक्सीडाइज्ड मेटल होता है। ऐसे में ये रंग होने वाले बच्चे के नर्वस सिस्टम और सांस से संबंधित रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप न्यू मॉम हैं और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, तो आपको भी होली के दौरान केमिकल वाले हानिकारक रंगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये रंग आपके दूध के जरिए शिशु के शरीर में पहुंच जाए तो नवजात के स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकते हैं। वहीं होली के त्योहार के दौरान बहुत से लोग जमकर भांग का भी सेवन करते हैं। भांग मिली हुई ठंडाई, भांग की गुजिया और कई तरह की रेसिपीज खासकर होली के मौके पर बनाई जाती हैं। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं या फिर नवजात शिशु की माँ हैं और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, तो भांग से पूरी तरह से दूरी बना लें। गर्भवती महिलाएं अगर भांग का सेवन करें तो इसका सीधा असर उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है और कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।